अच्छी खबरें हैं, साथ में चैलेंजेस भी हैं, नया मिशन भी है, नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल का मिशन। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन रवाना हो गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शेड्यूल है। मज़ीद बात होगी समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी शकील अहमद से। शकील अहमद, बताइए किस किस मामले के ऊपर बातचीत की जाएगी? देखिए किरण, बुनियादी मामला यही है कि पाकिस्तान IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए बाकायदा दरख्वास्त करेगा और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफ़द के हमराह वाशिंगटन रवाना हो गए हैं। सेक्टरी इक्तसादी उमूर डिवीजन, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्टरी खजाना भी वफ्द में शामिल हैं और ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देगा, नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अफ्रीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद होंगे, क्योंकि रवां माली साल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है जिसमें पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान है और माशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा ADB और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मुलाकातें होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में अपडेट किया।